हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं उसमें हम जानेंगे कि जो हमारी ओवरहेड लाइन होती है जिस पर हम काम करते हैं, अभी उस पर हमने कई स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड वीडियो डाली हैं। उसमें हम क्या करते थे, जो हमारी मेन लाइन होती थी और जो हमारी स्ट्रीट लाइट की लाइन होती थी उसमें हम क्या करते थे, एक इंसुलेटेड वायर की सहायता से जो मेन लाइन से है वो स्ट्रीट लाइट में सप्लाई देते थे जिससे हमारी लाइट ग्लो हो जाती थी। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे डिटेल में कि वो हम कैसे करते थे, क्योंकि अभी भी ये चीज़ कई दोस्तों के कन्फ्यूज़न में है कि ये कैसे होता है और कैसे किया जाता है। और दूसरी चीज़ हम आपको यह भी बताएंगे, जब ओवरहेड लाइन पर हम काम करने के लिए जाते हैं तो उस पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर हम उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें करंट लगने का डर बना रहता है। तो इन्हीं टॉपिक पर हम आपके लिए आज का वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आगे की जो हमारी वीडियो आए उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुए कि ये कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो पोल है इस पर हमारी 440 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। मान लीजिए हमें इस पर कोई काम करना है तो इस पर चढ़ने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे इंसुलेटर हैं उनमें से कोई इंसुलेटर हमारा टूटा तो नहीं है, और दूसरी चीज़ यह देखना चाहिए कि जो हमारा फेस आ रहे हैं, तीनों फेस आर वाई भी, कोई भी फेस हमारा एंगल या हमारे पोल से टच नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही हमें पोल पर चढ़ना चाहिए, और नहीं तो अगर हमारा इनमें से कोई भी फॉल्ट रहता है दोनों में से, तो जैसे ही हम पोल पर चढ़ेंगे और पोल पर चढ़ने के बाद जो हम एंगल को जैसे ही टच करेंगे तो उससे हमें जोर का शॉक लगेगा और उससे हो सकता है हम नीचे भी गिर जाएं। और यह जो हमारा पोल है वो एक एंड पोल है, जो हमारे सब स्टेशन से सप्लाई आ रही है वो यहीं तक आ रही है, इससे आगे हमारी सप्लाई नहीं जा रही है। और जो हमारा एंड पोल होता है उसकी एक विशेषता होती है कि जो इसमें इंसुलेटर यूज़ होता है वो हमारे सैकल टाइप इंसुलेटर ही यूज़ होते हैं, इसमें हम पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। और जो 11 KV की सप्लाई होती है उसके एंड पोल पर डिक्स टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। इस पोल पर भी हमारा सैकल टाइप इंसुलेटर का ही यूज़ किया गया है। जो हमारा एंगल ऊपर लगा हुआ है उस पर जो हमारे तीन इंसुलेटर हैं वो हमारे तीनों फेसों के हैं आर वाई बी, और उसके नीचे जो एंगल लगा हुआ है उस पर हमारे जो दो इंसुलेटर लगे हुए हैं, लेफ़्ट साइड वाला जो इंसुलेटर है वो हमारा न्यूट्रल है, और उसके बगल में जो इंसुलेटर का यूज़ किया गया है वो हमारा स्ट्रीट लाइट का फेस है। अब चलिए हम आपको बताते हैं जो हमारा बीच में जो पोल होता है उस पर कौन से प्रकार के इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो हमारा जो पोल है वो हमारा बीच का है, और ये देखिए इस पर जो इंसुलेटर का यूज़ किया गया है ये हमारे पिन टाइप इंसुलेटर हैं। जो हमारे जो तीन इंसुलेटर ऊपर लगे हुए हैं ये हमारे तीनों फेस के हैं, और उसके नीचे जो हमारा एंगल लगा हुआ है उस पर दो इंसुलेटर यूज़ हुए हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला है वो हमारा न्यूट्रल है, और उसके बगल में जो है वो हमारा एक स्ट्रीट लाइट का फेस है। और जो नीचे वाले एंगल की राइट साइड में जो पतला वायर दिखाई दे रहा है यह हमारा अर्थिंग वायर है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि पोल पर चढ़ने के बाद जब बेल्ट को बांधा जाता है तो बेल्ट को बांधने से पहले हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमें करंट न लगे, हम करंट लगने से बच सकें। तो देखिए दोस्तों, जब हम पोल पर चढ़ते हैं तो बेल्ट को बांधने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी केबल जुड़ी होती हैं लाइन से तो उसको अच्छे से देख लें कि किसी केबल का इंसुलेशन तो नहीं निकला है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये जो केबल हमारी लाइन से जुड़ी हुई है इसमें जगह जगह इंसुलेशन निकला है, तो यही देखना चाहिए। और हमें जो बेल्ट बांधते हैं तो ऐसे बांधें कि हमारा जो जहाँ पर ये इंसुलेशन निकला है हमारा कोई बॉडी पार्ट इससे टच ना हो कि जिससे हम करंट ना लगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारी पहले स्ट्रीट लाइट की वीडियो आई हैं उसमें हम क्या करते थे, एक इंसुलेटेड वायर की सहायता से शॉर्टिंग करके जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है हम उसको जला के चेक करते थे। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो हम किस वायर को शॉर्ट करते थे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा स्ट्रीट लाइट का फेस वायर है और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो हम क्या करते थे, जो हमारा स्ट्रीट लाइट का फेस है इसको हम क्या करते, इसमें इंसुलेटेड वायर लेते थे, इसमें टच करके जो हमारे तीनों फेस जा रहे हैं ऊपर वो किसी एक फेस में टच करते थे, जिससे क्या है हमारी जो लाइन की सप्लाई है वो इस फेस में आ जाती थी
और हमारी जो स्ट्रीट लाइट है उसको न्यूट्रल मिल जाता था और फेस मिल जाता था और उससे वो ग्लो हो जाती थी। दोस्तों अगर आपको लाइन की पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो प्लीज़ इस प्रकार का प्रैक्टिकल अपने आप ना करें। अगर यही गलती से जो हमारा फेस वायर हमारे न्यूट्रल से शॉर्ट हो जाता है तो इतना ज़ोर का शॉर्ट सर्किट होगा जिससे हमारी जान भी जा सकती है।